अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ समर सेब आपके साथ एक न्यू ब्लॉग में, और आज फाइनली मैं आप लोग को बस थोड़ी सी सैर कराने वाली हूँ नीचे की, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जानवर आए हैं वो मैं आपको सब दिखाना चाह रही थी, तो मैं ऐसे ऐसे एक एक करके आपको सबको दिखाती जाऊँगी। और ये तो हमारा बहुत शरीफ जानवर है, इसको तो मैं दिखा दूँगी, बाकी जो दूसरे वाले ख़तरनाक से उनको भी दिखाऊँगी। बड़े प्यारे प्यारे माशाल्लाह जानवर हैं, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। चले मिलते हैं सब जानवरों के बीच में। हाँ तो जी, मैं आपको मिलवाती हूँ एक ख़तरनाक गाय से। वो मेरे पीछे बिल्कुल पीछे नज़र आ रही होगी आपको, हाथ भी नहीं लगाने दे रही है, मगर मेरा टास्क है मैं इसको हाथ तो लगाऊँगी। क्या करूँ, दिल चाह रहा है इसको हाथ लगाने का। है भी बड़ी प्यारी सी और है भी बड़ी ख़तरनाक सी, तो अब बिल्कुल सामने मेरी वाली गाय। ये तो बहुत ही प्यारी है, इसको तो प्यार कर करके वो कर करके मैंने बिल्कुल ब्लैक से थोड़ा ब्राउन कर दिया है। और इस तरफ है ये वाली, कोशिश कर रही थी मैं इसको हाथ लगाने की, मगर अब ये खड़ी हो गई है, तो प्रोग्राम कैंसिल। अब हाथ नहीं लगाऊंगी, पता नहीं कब मुझे लात मार दे या कब सर मार दे। अपनी गाय के पास चलते और भाई ये रहा एक बकरा, एक ये रहा बकरा, शरीफ सा। यहाँ पे सारे बच्चे अब प्यार कर रहे हैं इसको। एक ये बकरा है सामने और एक दूसरा बकरा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी अभी बैल आया है और बच्चे यहाँ पे हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ पर आ गए हैं और हाथ नहीं लगाने दे रहा ये किसी को अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी अभी उतरा है। है बहुत प्यारा माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। लगने वैसे तो शरीफ लग रहा है और बच्चे तो वैसे भी शरीफ चीज़ के शरीफ, ये जो जानवर हैं इनका भी बुरा हाल कर देते हैं। चलो तो वापसी, इनको खाना बना के दिया है, अब ये खाने में मसरूफ होगी। खाते हुए कितने शरीफ लग रहे होते हैं जानवर। नहीं बेटा हाथ में लगाओ, उसके बाद देखो भाई। यहाँ पे हमारी वाली गाय भी खाना खा रही है, बिजी है भाई बड़ी खाना खाने में। यहाँ पे मरजान क्या कर रही है, बकरे को कुछ खिला रही है। यहाँ पे इसको जो मिल रहा है वो खिला रहे हैं। बस मरजान नहीं खा रहा है। क्या ये आइस लोली है? ये बैल नहीं आया? बैल कहाँ है? टास्पूरा। सारे माशाल्लाह यहाँ के जानवर तो कुछ रह गए हैं, वो मैं अभी दिखाई नहीं क्योंकि आगे आगे बंधे हुए हैं। और शरीफ जानवर बहुत अच्छे होते हैं, मगर थोड़े से अगर खतरनाक टाइप के हों वो भी मुझे बहुत पसंद हैं। थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। खैर ये वाला तो, हमारा वाला तो बहुत ज़्यादा शरीफ है, कुछ भी नहीं कहता, इतना प्यार करती हूँ इसको, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शराफत से खड़ा रहता है। बाकी दूसरा वाला जो है वाइट वाला, वो बहुत ख़तरनाक है, बस उसका इंतज़ार है। तो बस आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ आपको अपने एक न्यू ब्लॉग में कल इंशाल्लाह, क्योंकि अब कल ईद है तो मैंने सोचा कि बस आज का मैं आपको सारे जानवर दिखाई दूँ। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।